सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम दोबारा से खेलने जा रहे हैं पोकेमॉन स्वॉर्ड एंड शील्ड जीबीए वर्जन। और अगर आपने पिछला एपिसोड नहीं देखा तो जल्दी से जाके देखो, क्योंकि उस एपिसोड में हमने यहाँ पर बहुत सारे अमेजिंग से पोकेमॉन पकड़े थे। और हाँ, मैंने टोगपी को अपनी टीम से हटा दिया है अभी के लिए, क्योंकि टोगपी इतनी स्ट्रांग पोकेमॉन नहीं है। तो हम देखेंगे, अगर कोई और अच्छा सा पोकेमॉन मिलेगा तो हम उसे लेंगे टीम में। और पिकाचू भी अभी मैंने नहीं रखा है टीम में, क्योंकि मैं सोच रहा हूँ एक इलेक्ट्रिक टाइप है हमारी टीम में तो हमें दूसरे की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर हम आ चुके हैं मोटोस्टोक सिटी में, और ये अंकल पता नहीं कुछ बोल ही नहीं रहे। तो मैंने यहाँ पर सारे घरों को चेक कर लिया है, अब इस घर को भी चेक कर लेते हैं कि ये आंटी क्या बोलेंगी। ओके, ये बोल रही है इसके पास एक अच्छा सा पोकेमॉन है। ओ, इसने गैस बोला, क्या हुआ? ओ, इसने हमें दे दिया क्या? कौन सा पोकेमॉन दिया इसने? इसने हमें फ्री में रॉकरफ दे दिया। भाई मजा ही आ गया, लेवल 10 का रॉकरफ, वो भी फ्री में। पता भी है इसका एवोल्यूशन कितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है यार। चलो आगे चलते हैं, अब सिटी में इनसे भी बातें करते हैं। ओ, ये कुछ ओपनिंग सेरेमनी के बारे में बात कर रहे हैं, तो देखते हैं क्या है ये ओपनिंग सेरेमनी। ओ, ह्यूज किंगडम। और ये क्या है? द ट्रेन इज नॉट अवेलेबल। ओके, अभी तो नहीं है ट्रेन, चलो आगे चलते हैं इससे भी। अरे इसको बातें ही नहीं करनी। ओ, ये कार्लोस क्या है? कार्लोस तो सुना है। मोटोस्टोक इज़ अ हिस्टोरिक सिटी, पता नहीं क्या है। और यहाँ पर पोकेमॉन सेंटर है, तो चलो जल्दी से पोकेमॉन्स को हील कर लेते हैं। वैसे सारे हील ही थे, पर फिर भी। ये क्या है? आई कांट लेट यू पास। ओके, चलो आगे चलते हैं। और ये क्या है? पुलिस सर। ओ, होटल बैड्यू, क्या है ये अजीब सा? चलो आगे चलते हैं। और यहाँ पर तो हमारा पुराना दोस्त हॉप है, चलो इससे बात करते हैं। और ये बोल रहे हैं डिड यू कम टू ओपनिंग सेरेमनी है यहाँ पे। ओ, मतलब ये कह रहा है टीवी पे सारे देखेंगे ओपनिंग सेरेमनी को। और ये हमें अंदर ले आया है। ओ, यहाँ पर बहुत सारे चैलेंजर्स हैं और हमें साइन अप करना है। ओके, मैंने एंडोर्समेंट कार्ड दिया। ओके, ओ चैम्पियन। सो मुझे लग रहा है यहाँ पर हमारी जर्नी शुरू होगी उसकी जिम बैजेस को कलेक्ट करने की। और ये कह रहे, अच्छा ये लियोन का भाई है क्या? मुझे पता नहीं था। मुझे ये तो पता था कि ये पता नहीं लियोन का दोस्त है या क्या है। और ये कह रहे हैं बड्यू होटल में जाना है हमें, और मुझे पता है ये वही होटल है जिसमें हम अभी गए थे, लेकिन वहाँ पे एक पुलिस ऑफिसर था जिसने हमें अंदर ले जाने दिया। और हाँ, अब हम जा सकते हैं। और यहाँ पर सोनिया और हॉप है, और ये सोनिया कह रही है कि हमने रजिस्टर कर लिया दोनों ने। ओह, ये उस पोकेमॉन के बारे में बात कर रहे हैं जिसे हमने देखा था। क्या था उसका नाम? जेशियन या जेमाजेंटा, पता नहीं क्या था। और ये इस स्टैचू के बारे में बात कर रहे हैं जो लियोन जैसी दिखती है। ओ, ये उस स्टोरी के बारे में बात कर रहे हैं, द डार्केस्ट डे के बारे में, जब तूफान आया था गैलार रीजन में और बड़े बड़े जाइजेंटामैक्स और डायनामैक्स पोकेमॉन्स की फाइट हुई थी। बाकी आप खुद ही पढ़ लो, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा बोल रही है। ओके, ओ ये इसी होटल में रुकेगी, और इस हॉप को बड़ी जल्दी पड़ी है उस हीरो से बात करने की। और यहाँ पर इधर से करना है शायद रजिस्टर। ओके, यस, हाँ। तो ये पूछ रही है तुम जिम चैलेंजर हो, और ये हॉप। ओके, ये हॉप बोल रहा है कि सेरेमनी अब है, पर हमें जाना कैसे है? जाना कैसे? और ये पुलिस ऑफिसर से बात करते हैं। और ओ, ये सेरेमनी में लाया। ओके, और ये इतने सारे क्या कर रहे हैं यहाँ पे? यहाँ पर हॉप भी है, और यहाँ पर तो वो भी है जिससे हमने फाइट की थी। ओ, ये तो जिम चैलेंजेस। ओके, ये जिम लीडर है यहाँ का, ये दूसरी जिम लीडर, और ये तीसरा जिम लीडर। अच्छा, ये सारे जिम लीडर हैं यहाँ पर, ये पांचवा जिम लीडर तो बहुत ही डरावना है यार। ओके, कितने सारे हैं? आठ ही होते हैं। और ये लास्ट जिम लीडर, ओ भाई, चलो ये सारे जिम लीडर। बस ख़त्म होगी क्या सेरेमनी? हमें बाहर जाना है क्या अब? चलो बाहर चलते हैं, पता नहीं। ओके, यू गो रजिस्टर। चलो बाहर आ गए हम, और अब उधर चलते हैं, क्या है यहाँ पे? ओके, इसके अंदर कुछ नहीं है यहाँ पे, मुझे लगा था कुछ होगा। और ये बोल रहे हैं दो बैजिस चाहिए। ओके, पता नहीं क्या है ये, ये भी जिम तो नहीं है, हो सकता है। और ये क्या है? द ब्रिज इज अंडर रेनोवेशन। अरे क्या है ये ब्रिज भी ना? और हमें जाना किधर है? उस साइड, हाँ ये वाला रास्ता खुल गया है,
पर मुझे पता नहीं है हमें इधर ही जाना है क्या। वो ये ओपनिंग सेरेमनी, अरे ख़त्म होगी ओपनिंग सेरेमनी, अभी भी उसका इंतज़ार कर रहा है। ओ ये कह रहे कि जिम, फर्स्ट जिम के लिए हमें इधर जाना है, लेफ्ट साइड जहाँ हम अभी गए थे रोड 3 में। तो चलो आगे चलते हैं। और यहाँ पर तो हॉप है, हमें इससे फाइट करनी है क्या? ये हमारा इंतज़ार कर रहा था। ओ हमारी फाइट होने वाली है। चलो फाइट करते हैं। इसके पास कितने पोकेमोन है वैसे? ओ इसके पास 3 पोकेमोन है, मेरे पास 6 है, तो मैं जीत जाऊंगा आराम से। ओह इसका वूलू भी लेवल 11 का हो गया, चलो सही है। पर मेरे स्कॉर्बनी से ज़्यादा लेवल नहीं है इसका, तो हम इसे आराम से हरा देंगे। और एक और अटैक भाई, वो भी बहुत ज़्यादा डैमेज दे रही है। और यस वूलू को तो हमने हरा दिया, और 300 XP पॉइंट्स, सही है। और स्वॉर्ड एंड शील्ड में यही अच्छी बात लगती है, सारे पोकेमॉन्स को मिलती है XP। और हमारा इलेकिड सबसे कम लेवल का है, और ये रुकीडी लाने वाला है। चेंज करूँ या ना करूँ? ना करता हूँ। और यस रुकीडी इसने भी पकड़ लिया ना। चलो एम्बर, ओ काफ़ी अच्छा पोकेमॉन है। ओ इसने क्लोज डिफेंस किया, चलो हम एम्बर ही करेंगे। क्या हो जाएगा तेरा डिफेंस से? ओ भाई स्क्रैच किया, पर हमें ज़्यादा डैमेज नहीं हुआ। अरे इतनी सी हेल्थ बची है यार, क्विक अटैक करते हैं। चलो अब उसका थर्ड पोकेमॉन ग्रूकी होगा, ये तो पता ही है हमें। और यहाँ पर स्कॉर्बनी का लेवल अप हो गया, और रुकीडी का भी लेवल अप हो गया, और लोटाइड का भी लेवल अप हो गया यहाँ पर लेवल 14 का, और गोथिता लेवल 17, इलेक्ट्रिड भी लेवल 10 का हो गया, और रॉकरफ भी लेवल 11 का हो गया। इतनी ज़्यादा XP मिली, और एक ग्रूकी भेज रहा है। स्कॉर्बन की हेल्थ कम है इसलिए मैं चेंज कर रहा हूँ, वरना तो स्कॉर्बनी 2 अटैक में हरा देता उसे। और यहाँ पर ग्रूकी आया, और अब मैं करूँ साई बीम करता हूँ। ओके पता नहीं साइकिक अटैक पावरफुल होंगे ग्रास टाइप के खिलाफ, देख लेते हैं। और यहाँ पर साई बीम, ओ काफ़ी अच्छे से काम किया। चलो कंफ्यूज हो गया वो, बस खुद ही पे करे वो अटैक तब तो मज़ा ही आएगा। अरे नहीं ये कौन सा अटैक था, पता नहीं इससे हुआ क्या। और यहाँ पर प्ले रफ, और अब तो खत्म। अरे उसे बहुत कम डैमेज हुआ और वो कंफ्यूज है। अरे उसने खुद पे एक अटैक नहीं किया, पता नहीं कैसा पोकेमॉन है भाई। और यहाँ पर कन्फ्यूजन भाई, वो तो बहुत स्ट्रांग था वैसे, क्योंकि उसने एक अटैक में हमारी आधी हेल्थ ले ली। चलो कुछ नहीं होता, हमने उसे हरा तो दिया। और रॉकरफ लेवल 12 का हो गया, उसे रॉक थ्रो सीखना है। चलो सिखा देते हैं, क्योंकि रॉक थ्रो काफ़ी अच्छा अटैक है। मैं लियर से ही हटाऊंगा यार, लियर को हटाते हैं। और 1 2 3 एंड पूफ हो गया, चलो रॉक थ्रो। और यहाँ पर हमने हॉप को हरा दिया है भाई, मज़ा आ गया। सबसे ज़्यादा मज़ा लोटेड इवॉल्व हो रहा है, चलो काफ़ी बढ़िया है। मेरे ख्याल से तो ये लॉम्ब्रे में इवॉल्व होगा, देखते हैं। और इवॉल्व हो जा, ओके ओ यस ये लॉम्ब्रे में इवॉल्व हुआ है, चलो काफ़ी सही है। हमारा पहला पोकेमॉन है जो इवॉल्व हुआ है। ओहो अरे हमेशा पैसे देने क्यों आता है तू? सबसे ज़्यादा मज़ा तभी आता है जब ये हार के हमें इतने सारे डॉलर्स देता है ना, मज़ा आता है। पता नहीं उन्हें डॉलर कहते हैं कि क्या। तो मैं सबसे पहले पोकेमॉन सेंटर से हील करवा लेता हूँ अपने पोकेमॉन सारे, फिर आगे चलेंगे। ओके जल्दी से हो जा, चलो अब आगे चलते हैं। बस कोई वाइल्ड पोकेमॉन ना आए। और कुछ मुझे कमेंट में बता रहे थे कि रिपेल यूज़ करो, तो मुझे पता है लेकिन मुझे पैसे वेस्ट नहीं करने हैं रिपेल पे, क्योंकि हम ये रन भी कर सकते हैं। चलो अच्छा हुआ, आगे चलते हैं। और यहाँ पर ट्रेनर, इसे भी हरा दिया यार आराम से। तो जितनी भी ट्रेनर्स बैटल है ना मैं सारी करूँगा, लेकिन मैं आपको नहीं दिखाऊँगा क्योंकि बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इसलिए आप बस ये देखो। ओके मैं सबसे बैटल करूँगा क्योंकि मुझे लेवल अप करना है अपने पोकेमॉन्स को। और यहाँ पर मैंने कितने सारे ट्रेनर्स को हरा दिया, चलो अब आगे चलते हैं। और मुझे लग रहा है अब कोई और ट्रेनर नहीं है। ओके अरे हट जा, ओ हट, ये हट क्यों नहीं रहा है, हमें हट गया, चलो सही। और ये तो केव है और इसका नाम है गैलर माइन। सो गाइज आज की इस वीडियो में इतना ही, अगर आपको वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे सब्सक्राइब कर देना। हम मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।